तो कैसे आप सब लोग, आज मेरे पास इन्फिनिक्स हॉट 20 आ चुका है जी। यहाँ पे 128 GB की आपको स्टोरेज, 11 GB की रैम, 6+5 GB एक्सटेंडेबल देखने को मिल जाती है। हीलियो G85 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। 50 MP का मेन कैमरा सेटअप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। लेफ्ट साइड पर आपको जो है यहाँ पर कुछ डिटेल्स वगैरह देखने को मिल जाती है। इसके अलावा आपको बैक साइड पर मज़ीद इसकी डिटेलिंग दी गई है। 50 MP का आपको मेन कैमरा सेटअप, 90Hz का रिफ्रेश रेट, और इसके अलावा टाइप सी की चार्जिंग, 5000 mAh की बैटरी, 6+5 GB एक्सटेंडेबल आपको रैम देखने को मिल जाती है। गेमिंग टर्बो इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाता है। मज़ीद चीज़ें जो है इसकी एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं फ़ोन को। जैसे आप बॉक्स खोलते हैं तो आपको एक रैपर के अंदर इन्फिनिक्स हॉट 20 देखने को मिल जाता है, जिसके ऊपर मज़ीद हीलियो G85 को मेंशन किया गया है। डुअल कैमरा सेटअप है। और तो फ़ोन को हम निकाल लेते हैं रैपर से और इसका लेते हैं हैंड्स ऑन इंप्रेशन कि आपको कितना बड़ा साइज़ इस फ़ोन का देखने को मिल रहा है। काफ़ी बड़े साइज़ का फ़ोन देखने को मिल जाता है। बैक साइड पर डुअल कैमरा सेटअप है, आपको फ्लैश लाइट देखने को मिल जाती है। काफ़ी ग्लॉसी लुक यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। मज़ीद नीचे वाली साइड पे स्पीकर ग्रिल, चार्जिंग पोर्ट और 3.5 mm ऑडियो जैक मिल जाता है। राइट साइड पे पावर ऑन ऑफ बटन और वॉल्यूम रॉकर्स की मिल जाती हैं। लेफ्ट साइड पे आपको सिम ट्रे का ऑप्शन दिया गया है। अब यहाँ पे पावर ऑन ऑफ बटन के वाले से बात करें तो यहाँ पे आपको जो है फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है इसी बटन के ऊपर। उसकी भी स्पीड मज़ीद चेकआउट करेंगे इसके रिव्यू के अंदर। और अभी फ़ोन को हम कर लेते हैं टर्न ऑन। जितनी देर में मोबाइल टर्न ऑन होता है, यहाँ पर हम बॉक्स के कॉन्टेंट्स देख लेते हैं। डॉलर का आपको यहाँ पर एक स्टीकर दिया गया है, जो कि आप बैक कवर के पीछे लगा के उसको थोड़ा सा लुक प्रोवाइड कर सकते हैं। एक आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंट जो है वो बैक कवर प्रोवाइड किया गया है इस फ़ोन का। मज़ीद बॉक्स के अंदर आपको चार्जर हैंड फ्री देखने को मिल जाती है। चार्जर के ऊपर नज़र डालें तो आपको यहाँ पे 18 W की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है। 5000 mAh की बैटरी है, तो आपको आलमोस्ट कम टाइम के अंदर, आलमोस्ट 35 मिनट या 40 मिनट के अंदर आपको फ़ोन जो है वो आपका 100% चार्ज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। मज़ीद यहाँ पे आपको एक जो है वो हैंड फ्री देखने को मिल जाते हैं, जो कि आजकल डिफरेंट कंपनीज़ जो है वो प्रोवाइड नहीं करती, लेकिन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया गया है। टाइप सी की आपको यहाँ पे केबल प्रोवाइड की गई है, जो कि आपको 18 W तक की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड कर देगी। तो काफ़ी अच्छी बात है जी, बॉक्स के कॉन्टेंट्स काफ़ी अच्छे हैं। पाकिस्तान की मार्केट के अंदर इस वक्त इसकी आलमोस्ट प्राइस 38,000 से 39,000 चल रही है, और जो है वो काफ़ी अच्छा फ़ोन है। काफ़ी अच्छे बॉक्स के कंटेंट्स हैं, फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, हीलियो G85 का प्रोसेसर जो कि आपको काफ़ी अच्छी गेमिंग भी प्रोवाइड कर देगा, और बैक साइड का कैमरा डिज़ाइन भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक न्यू टाइप का कैमरा डिज़ाइन यहाँ पे मुतारफ़ कराया गया है। इसके अलावा ग्लॉसी शाइनी लुक है, ऐसे लगता है कि जो यहाँ पर ग्लास प्रोवाइड किया है बैक साइड पर, लेकिन यहाँ पर प्लास्टिक है। लेकिन ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है, और फ़ोन जो है वो बॉक्स के अंदर यहाँ पर मुझे आई थिंक चार्जिंग इसकी ख़त्म हो चुकी है। खैर, टर्न ऑन करते हैं, इसके अंदर से कुछ फीचर्स वगैरह चेकआउट करते हैं, इसके बाद इसको मैं चार्ज पे लगा दूंगा कि क्योंकि मोबाइल जो है वो इस वक्त आलमोस्ट एंड पे है। मैंने इसको टर्न ऑन किया था लेकिन दोबारा ये ऑफ हो चुका है। टर्न ऑन करते हैं, मज़ीद इसके अंदर आपको जो फीचर्स हैं वो दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले चीज़ आपको यहाँ पे जो देखने को मिल रही है, IPS LCD पैनल है। 720p की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाती है। फ्रंट साइड पे आपको नॉच कैमरे की बजाय यहाँ पे जो है वो पंच होल कैमरा दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छी लुक प्रोवाइड करता है डिवाइस की। हाँ, इसके बेजल्स काफ़ी ज़्यादा थिक मुझे देखने को मिले हैं। साइड कॉर्नर से काफ़ी ज़्यादा थिक आपको जो है वो बेजल्स प्रोवाइड किए गए, जो कि एक इसकी खूबसूरती को कम करते हैं। लेकिन ओवरऑल फ़ोन काफ़ी अच्छा है। इसके अलावा आपको जहाँ पर जो है वो 6+5 GB एक्सटेंडेबल जो रैम है वो दी गई है। अगर आप गेमिंग करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। 50 MP का मेन कैमरा है, 5000 mAh की बैटरी है। काफ़ी अच्छी चीज़ें इस फ़ोन के अंदर प्रोवाइड की गई हैं, और प्राइस भी काफ़ी नॉर्मल है ओवरऑल देखा जाए तो। तो खैर, ये था अनबॉक्सिंग और शॉर्ट सा रिव्यू इन्फिनिक्स हॉट 20 का। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मज़ीद आप इसको जो है वो सेटिंग आउट करेंगे, इसके ऊपर अपनी ID वगैरह लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कैमरे के हवाले से बात करें तो AI कैमरा सबसे पहले देखने मिल जाता है। वीडियो, स्मार्ट फ़ोटोज़ वगैरह, बहुत सारी फ़ीचर्स हैं जो कि आमतौर पर इन्फिनिक्स के फ़ोन्स के अंदर सेम देखने को मिल जाती हैं। 50 MP का कैमरा है, वो काफ़ी अच्छी किस्म की फ़ोटोज़ वीडियोग्राफी प्रोवाइड कर देगा। मज़ीद मुझे डिवाइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो बड़े साइज़ की देखने मिल जाए ओवरऑल देखा जाए तो, मेरा जो हैंड फील है वो हाथ के हिसाब से मेरा मुझे काफ़ी बड़ा फ़ोन देखने को मिला यहाँ पे। लेकिन ओवरऑल जिनके जो थोड़े से बिग हैंड्स होते हैं, बड़े हाथ के हिसाब से जो देखा जाए तो वो एडजस्ट कर सकते हैं इसको फ़ोन को, लेकिन मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है इसको एडजस्ट करना अपने हाथ के अंदर। तो ये थी अनबॉक्सिंग इन्फिनिक्स हॉट 20 की। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी।
फ़ोन कैसा लगा आपको ये भी मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा।